प्रकाश झा द्वारा निर्देशित आश्रम वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली वेब सीरीजों में से एक है। आश्रम वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसके सभी किरदार ने बेहतरीन काम किया है, जिसमें से एक है पत्रकार बाबू, जिन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। तो आज के इस वीडियो में हम इनके ही रियल नेम और रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, यदि आप साध्वी माता, बबीता भाभी और कविता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के खत्म होने से 20 सेकंड पहले उसका लिंक हमारे इस वीडियो पर आ जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो इस अभिनेता का नाम है राजीव सिद्धार्थ। राजीव सिद्धार्थ एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म अभिनेता हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों, टेलीविज़न, थिएटर और डिजिटल वेब सीरीजों में काम किया है। राजीव सिद्धार्थ ने साल 2007 में फिल्म दिल दोस्ती ETC से अपने करियर की शुरुआत की थी, और इन्होंने साल 2017 में LT बालाजी की वेब सीरीज रोमिन एंड जुगल से अपने करियर की शुरुआत की। अब बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो इनका जन्म 11 अप्रैल को एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनके बचपन के कुछ साल मसूरी और देहरादून के बोर्डिंग स्कूलों में बीते, और इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा द दून स्कूल देहरादून से पूरी की, और सेंट स्टेफिन कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र ऑनर्स में इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। बाद में इन्होंने नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड हायर स्टडीज़ मुंबई से MBA में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने एक साल के लिए एक निवेश बैंक में कार्य किया। लेकिन एक साल यहाँ पर काम करने के बाद यह फिल्म दोस्ती आदि में अपना अभिनय किया, और इसके बाद साल 2011 में अपना पहला थिएटर आधा अधूरे किया, जिसमें राजीव सिद्धार्थ ने अशोक की भूमिका निभाई थी। इसके बाद इन्होंने वेडिंग एल्बम, अगस्त ओसेज काउंटी, गौहर, द डांसी डंकी एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसे विभिन्न नाटकों में अभिनय किया। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में बेसेनियो के रूप में इन्हें बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिली। इसके साथ ही यह विभिन्न फिल्मों और टेलीविजन शो जैसे जॉली LLB, जो साल 2013 में रिलीज हुई थी, इसमें भी इन्होंने कार्य किया, और साल 2017 में इन्होंने ALT बालाजी की वेब सीरीज रोमिल और जुगल में रोमिल की भूमिका निभाई थी। इसके बाद साल 2018 में इन्होंने कौशिक वेब सीरीज और साल 2019 में फॉर मोर शॉर्ट्स प्लीज जैसी विभिन्न वेब सीरीजों में अभिनय किया। और आपको बता दें कि इन्होंने मारुति सुजुकी की अर्टिका सहित टेलीविजन विज्ञापनों में भी कार्य किया है। तो दोस्तों, ये रही राजीव सिद्धार्थ की बायोग्राफी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा। और यदि आप किसी और की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए, मैं आपके लिए उनकी बायोग्राफी अपने इस चैनल पर लाऊँगा।